Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy and Alisha Academy as well. So guys, यहाँ तक हम पहुँचे थे, देख सकते हैं आप. पिछले लेक्चर वीडियो में हमने आपको बेस क्लियर करवाया था कि टोटल होते हैं 256 मोड्स, जिसमें से सिर्फ 24 वैलिड है. और 24 में से भी हमने देखा कि जो 15 हैं वो बिना किसी कंडीशन के वैलिड होते हैं, और जो 9 होते हैं वो विद कंडीशन वैलिड होते हैं. ठीक है, अब इस चीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और ये है हमारा मोड्स एंड फिगर्स का पार्ट नंबर 2. अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर आए. ठीक है, चलते हैं. अब देखिए, अनकंडीशनली वैलिड जो मोड्स होते हैं ना, मोड्स के साथ आपको याद है थर्ड स्टेप था हमारा फिगर को देखना. लेकिन अभी तक मैंने आपको फिगर के बारे में कुछ नहीं करवाया. इस पार्ट में हम थोड़ा सा फिगर को भी समझना शुरू करेंगे. लेकिन इस क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी. ठीक है, अनकंडीशनली जो वैलिड जो हमारे मूड्स होते हैं वो किसने दिए हैं, मूड्स एंड फिगर्स, बुलियन ने. किसने दिया है, ये ऑथर है बुलियन. ठीक है, और जो कंडीशनली जो 9 बाकी बचे हैं, 24 है ना टोटल, जो 9 दिए हैं वो किसने दिए हैं, वो किसने दिए हैं गाइस, वो हमें प्रोवाइड किए हैं एरिस्टोटल ने. टोटल ने. सो गाइस, आज मैं आपको, आप देखेंगे ये 15 मैम कितने डिफिकल्ट है. ये क्या है, ए ए ए ई ए ई ए आई आई ई आई ओ ए ई ई ई ए ई, मतलब कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना. तो आप ये कैसे याद करोगे. ठीक है, सो डोंट वरी गाइस, आपकी यही प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करूंगी. ठीक है, मैंने एक अपनी एक ट्रिक बनाई है जिसके थ्रू आप ये रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो इस पे पूरा कॉपीराइट मेरा है. आप देख सकते हैं, ये मेरी ट्रिक है रिवीजन करने की. आज मैं आपको एक इसकी ट्रिक समझाऊंगी, जिसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा ये 15 के 15 कैसे याद करने हैं. करते हैं स्टार्ट अपने इन 15 ट्रिक को. आपने कैसे याद करना है, अपनी अपनी कॉपी पेन निकाले और इसे समझे. ट्रिक ये है, एक एक करके रिवाइज करेंगे. जो हमारा, हमने क्या देखना है कि ये वाले जो ए ए ए है, ये सारे गाइज आपके होते हैं मूड्स. क्या होते हैं, मूड्स. और ये जो नंबरिंग है ना, ये होती है फिगर्स. अभी हमने देखा कि टोटल कितनी फिगर्स है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4. इन चारों में पहली फिगर में कौन सा आएगा, दूसरी में कौन सा आएगा, तीसरा में कौन सा आएगा. तो गाइज आप सोचेंगे मैम तो हम इसमें याद डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वही चीज आपकी इजी करनी है गाइज. क्योंकि आप देखें यहाँ पर, अब ये वाला जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कई चीजें जैसे ये यही पर है, ये भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कैसे रिवाइज होगा. उसकी ही रिवीजन की ट्रिक जो है मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगी. स्टार्ट करते हैं इस ट्रिक को, जिससे आपका मूड्स एंड फिगर्स दोनों क्लियर होंगे कि कौन सी फिगर में कौन कौन से मूड्स हमने आने हैं और इनको याद कैसे करना है. करें स्टार्ट. सबसे पहले आपने देखना है, पहला वर्ड है हमारा फर्स्ट. हमारा एक स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, उसको आपने रिवाइज करना है. हमारा, हमारा में वोवल देखे ए, जो दूसरे है कॉन्सोनेंट उसको अलग कर लीजिए, ए ए एंड ए, देख सकते हैं हमारा में ये वोवल 1, 2, 3. सो गाइज आपने क्या याद रखना है, हम सबका एक क्या होता है, हम सबका एक लव होता है. हम सबका दुनिया में एक ना एक वो इंसान होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है. सो दैट इज कॉल्ड पहली हमारी ट्रिपल ए जो है. इसका मतलब क्या है, जब मैंने एक बोला है, वन बोला है कि एक प्यारा होता है सबका, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो ट्रिपल ए है वो हमेशा फर्स्ट फिगर में आएगा. अगर वो सेकंड फिगर में आ रहा है तो वो आपका गलत है. अब आप बोलेंगे मैम ये फिगर कैसे हमें देखेंगे, वो गाइस अलग की चीज है. यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने ट्रिक याद करवानी है. सो ये क्लास बेसिकली स्पेसिफिकली ऑन ट्रिक है, तो अभी सिर्फ ट्रिक को समझे. ठीक है, हमारा के साथ ट्रिपल ए, और हमारा दैट इज हमारा दिल जो है एक पर आया हुआ है, वही गाइज हमने यहाँ पर रिवाइज करना है. दूसरी बात, दूसरी की तरफ चलते हैं हम. हमारा जिस पे दिल आया हुआ ना गाइज, तो क्या सीन है, उसको उसको हमने ना कहीं पर घुमाने लेकर जाना है. ठीक है, उसके साथ हमने घूमने जाना है. सो हम दोनों ने, दैट इज सेकेंड, इसमें आपको क्या याद रखना है, टू, हम दोनों ने घूमने जाना है. और पता कहां पर घूमने जाना है, बैरोको,
BAROCO, ये एक कंट्री है, इमेजिन आपने खुद करना है, ये एक कंट्री है, उसमें से वोवल्स निकाले ए ओ एंड ओ, ए ओ ओ। सो इससे आपको ये फिगर याद हो जाती है कि जो हमारी ए ओ ओ वाली फिगर है ना, जो हमारा ए ओ ओ वाला मूड है ना, वो कौन सी वाली फिगर में आएगा? बस सेकंड वाली में। दैट इज, पहले हमने कहा कि हमारा एक प्यार है, ठीक है, उस प्यार के साथ हमने एक कंट्री घूमने जाना है, ठीक है, उस कंट्री का नाम है बैरोको, ठीक है। उसके बाद क्या आपने याद करना है, उसके बाद क्या आपने याद रखना है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है देखो आपने, लेकिन क्या हुआ, घर वाले माने नहीं, कोई आपको घर वाले पहले ही, ठीक है ना, बिना शादी के आपको घूमने जाने देंगे किसी दूसरी कंट्री में? नहीं जाने देंगे, इंडिया जैसी कंट्री में तो नहीं जाने देंगे। फिर आपने, तो क्या हुआ, एक पार्टनर नाराज हो गया, तो हमने क्या कहा, दूसरे पार्टनर को हम क्या लेके देंगे, ऑर्डर करेंगे जोमेटो से, उसके लिए जोमेटो से क्या ऑर्डर करेंगे, पिज्जा ऑर्डर करेंगे। और जो पिज्जा ऑर्डर करेंगे ना, सिर्फ उसके लिए नहीं करेंगे, उसके एक मम्मा है, उसके एक पापा है और एक वो खुद, तो तीन जाने हैं, ठीक है ना, तीन जाने हैं, तो इट मींस तीन पिज्जाज आप ऑर्डर करोगे। तो इससे आपको याद रखना है, जो हमारा ओ ए ओ, जो हमारा मूड है, वो आता है कहाँ पर आता है, फिगर नंबर थ्री में। ओ ए ओ कहाँ पर आता है, अभी यहां से आप देख सकते हैं, ओ ए ओ फिगर नंबर थ्री में ओ ए ओ है, और कहीं पर आपको नहीं दिखेगा ये, ठीक है, ये चीज मैं बता रही हूँ आपको। सो देखिए गाइज, सो ओ ए ओ फिगर नंबर थ्री आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया कि चलो यार अगले बंदे का मूड रिफ्रेश हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्या हो गया, अब फॉरेन तो घूमने गए नहीं, ठीक है ना, कंट्री में तो घूमने गए नहीं, तो 12 तारीख को लड़का क्या डिक्लेयर करता है कि वो लड़की से मिलेगा। 12 तारीख को क्या हो गया, डिक्लेरेशन। सो आपने वर्ड क्या याद रखना है, डिक्लेयर, डिक्लेयर, डिक्लेयर से वर्ड निकाले ई ए ई, वोवल्स देखने हैं ना, ई ए ई। तो 12 से आपने, आपको तो पता है मैम फिगर तो कोई 12 होती नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ चार ही फिगर्स है, 1 2 3 4। तो गाइस इसका मेरा आपको मतलब है कहने का कि यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये आएगा फिगर नंबर 1 में भी और 2 में भी। इस तरीके से आपको याद रखना है, 12 तारीख को डिक्लेयर करा कि हम कहाँ पर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, कब मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे, एक दिन पहले ही फोन पे बताओगे ना कि हम ना कल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये साथ साथ लिख ही जाओ, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, जिससे मिलना है ना, वो कौन लड़की है, मिलना है 12 तारीख को डिक्लेयर हुआ, और किससे मिलना है, 13 तारीख को मिलना है, लेकिन 13 तारीख को मिलना किससे ये तो पता ही नहीं है। तो जो लड़की का नाम है, उसका नाम है नंदिनी, क्या नाम है, नंदिनी। सो नंदिनी है ए आए और आए, ठीक है, यहां से वोवल्स निकले ना, ए आए आए। तो यहां पर आपने क्या याद रखना है, जो ए आए आए वाला मूड है वो फिगर नंबर 1 में भी आएगा, फिगर नंबर 3 में भी आएगा। सो नंदिनी, आई होप आप सबको क्लियर हो गया हुआ है। तो अब तो हो गया, मिलने की बात हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने ये तो डिसाइड ही नहीं किया तो मिलना कैसे है। तो हमने ये डिसाइड किया कि 2 4 घंटे हम मिलेंगे, ठीक है ना, सवेरे सवेरे मिलेंगे, मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, ठीक है ना, सवेरे सवेरे हम मिलेंगे। तो प्रॉब्लम है गाइस, मम्मी को क्या बोलूंगी आगे, कभी तो मैं मॉर्निंग वॉक वॉक पे गई नहीं, तो मम्मी को क्या बोलूंगी। तो मम्मी को बोलना है मैं फ्रेंड के साथ घूमने जा रही हूँ, या फिर अगर तो मम्मी का बीच में फोन आ गया तो आप 2 घंटे में ही वापस चले जाओगे, और अगर नहीं आया तो आप उसके साथ 4 घंटे रहोगे। तो इसमें आपको क्या याद रखनी है, जो हमारा वोवल है ए ई, ये वाला अगर मूड होगा तो वो फिगर नंबर 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, कि 2 4 घंटे हमने घूमना है। उसके बाद गाइस देखें नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला क्या कहता है, नेक्स्ट वाला कहता है कि वो हम सुबह सुबह तो आएगी, लेकिन ठीक है सुबह सुबह तो आएगी, लेकिन मम्मी को क्या बोलेगी कि क्या करना है। मम्मी को बोलना है कि मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ पढ़ने, तो वो अपने साथ 3 4 बुक्स लेकर जाएगी, क्योंकि नंदिनी जो है वो किताबी कीड़ा है।
सो किताबी वर्ड आप लिखेंगे, वहां से निकला आई ए आई, ये आई ए आई जो है आपने याद करना है कि 3 4, ठीक है, 3 4 आपको कि ये थर्ड वाली फिगर में भी आएगा, फोर्थ वाली फिगर में भी आएगा, कौन सा वाला, आई ए आई, आई ए आई किताबी, ठीक है, आई ए आई। सो 3 4, तो 3 4 बुक्स लेकर वो आ गई। एंड लास्ट में आपको गाइस क्या याद रखनी है, एक ये वाला क्या हो गया, सुबह सुबह वो गई ना तो नंदिनी को क्या हो गया, छींके आने लगी, ठीक नहीं थी, तो उसके पार्टनर को हुआ यार बीमार हो गई है मेरे कारण, तो उसने ना पहले एक मेडिकल की शॉप ढूंढी, नहीं उसमें मेडिसिन मिली, दूसरी गया, तीसरी गया, चौथी, चारों जगह घूमा वो, कहाँ पर घूमा, मेडिकल में। सो मेडिकॉस, मेडिकॉस, तो जो हमारा लास्ट फिगर है दैट इज ई आई ओ, वो आपको याद रखना है कि वो फिगर नंबर 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, उसकी फिगर नंबर 3 भी है, 4 भी है, चारों को चारों ये याद रखना है। सो गाइस अभी इस ट्रिक को याद करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको मूड एंड फिगर का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस, सो सी यू सून, बाय बाय।